पहला वनडे मैच होने से पहले टीम इंडिया में छा गया मातम की लहर। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बिना समय लेते हो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैं आगे आपको बताता चलूँ, क्योंकि टीम इंडिया में छा गया पूरा मातम की लहर और दोस्तों आज पहला वनडे मैच खेलना जाना है। दोस्तों वहीं पर बताया जा रहा है कि पूरी तरह से चोटिल हो गए सूर्यकुमार यादव, और सूर्यकुमार यादव पहला वनडे मैच में नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से T20 सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे, काफ़ी ज़्यादा शानदार रोहित शर्मा के साथ बैटिंग करते हुए नजर आए थे। और दोस्तों आगे मैं आपको बताता चलूँ, पहला वनडे आज जो कि 11 बजे स्टार्ट होगा और दोस्तों इसमें नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। और टीम इंडिया के खिलाड़ी के बढ़ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा जिम्बाब्वे दौरे पर आज का पहला वनडे मैच दोस्तों, क्योंकि सूर्यकुमार यादव काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बैट्समैन माने जाते हैं लेकिन पूरी तरह से घायल हो गए हैं और चोटिल हो गए हैं, इसी वजह से नहीं खेलते हुए नजर आएंगे टीम इंडिया में। और दोस्तों इनके जगह पर केएल राहुल खेलते हुए नजर आएंगे, और केएल राहुल भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखते हैं दोस्तों का पहला वनडे मैच टीम इंडिया जीत पाता है या फिर नहीं। दोस्तों वहीं पर जिम्बाब्वे के खिलाफ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आज का वनडे मैच लाजवाब होने वाला है टक्कर। और दोस्तों सूर्यकुमार यादव जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं और दोस्तों नहीं खेलते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो गए हैं। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे सूर्यकुमार यादव को, क्या सूर्यकुमार यादव रहेंगे तो जिताएंगे या फिर नहीं? दोस्तों कमेंट बॉक्स में पहले जरूर भेजें।